एक दिन टूनी चिड़िया कहीं बहुत दूर से उड़ते हुए आ रही थी। तभी टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है तो उसके सामने एक छोटा सा पेड़ टूटा हुआ दिखाई देता है। टूनी चिड़िया वहीं पर जाके बैठ के कुछ देर तक टूनी चिड़िया आराम करने लगती है। उसके बाद टूनी चिड़िया आराम करने के बाद सिंपली टूनी चिड़िया फिर से आगे की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देती है। तो हे गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे गाइज। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले गाइज कि कैसे आप लोग जैसे कि इंट्रो वीडियो में देखें गाइज कि चिड़िया उड़ते उड़ते हुए आती है और किसी चीज़ पे बैठ जाती है, उसके बाद फिर कुछ देर तक आराम करने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है गाइज। तो इस तरह से आप लोगों को एनिमेशन कैसे करना है गाइज आप लोगों को मैं बिल्कुल सही तरीके से बताऊँगा गाइज। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और गाइज आप लोगों से मैं बता दूँ कि अभी आप लोग 1 या 2 पार्ट आप लोग नहीं देखें गाइज, तो इनको भी जाके देखिएगा तभी आप लोगों को ये तीसरा वाला ये समझ में आएगा, ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आएगा। तो 1 और 2 वाला जाके पार्ट देख लीजिएगा। और गाइज आप लोगों से मैं बता दूं कि चौथे पार्ट में आप लोगों को सीखेंगे कि कैसे तूफान वाला सीन क्रिएट किया जाता है गाइज। तो चौथे पार्ट में सीखेंगे गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला है गाइज, मेरा चौथा वीडियो। तो गाइज उसको भी वेट कीजिएगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे तूफान वाला सीन क्रिएट किया जाता है। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर जान लेते हैं गाइज कि कैसे आप लोग किसी भी चिड़िया को उड़ते उड़ते बैठा सकते हैं और उसके बाद कुछ देर तक आराम करने वाली चिड़िया वहाँ से उड़ के चले जाएगी। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को काइन मास्टर ओपन करना होगा, उसके बाद यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद 16.90 रेशियो का यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है गाइज। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग अपना एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं वह बैकग्राउंड ले लीजिएगा। तो चलिए गाइज यह वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ गाइज। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपने करेक्टर को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपना करेक्टर ले लेता हूँ गाइज। आप लोग जो भी करेक्टर लेना चाहते हो करेक्टर ले लीजिएगा। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं टूनी चिड़िया जो उड़ती हुई जाती है गाइज वही वाला करेक्टर यहाँ से ले लेता हूँ गाइज। और यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ राइट साइड का, और यहाँ से फिर से गाइज यहाँ से जो फर्स्ट वाला है गाइज इसमें भी लेफ्ट साइड थोड़ा सा हल्का सा ट्रिम कर देता हूँ इस तरह से। तो गाइज इतना हो जाने के बाद सिंपली गाइज आप लोगों को इसी के लेयर के ऊपर यहाँ से क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा गाइज, इस पर क्लिक करके और यहाँ से क्रोमा की इनेबल कर देना होगा। इसके बाद यहाँ से क्रोमा की इनेबल करने के बाद सिंपली की कलर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ग्रीन। उसके बाद यहाँ से 50-50 कर देना है गाइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद गाइज आप लोगों को इसमें क्या करना, चलिए मैं बता देता हूँ गाइज कि कैसे आप लोग इसमें एनिमेशन करना है। तो गाइज इसको हल्का सा आप लोगों को रोटेट कर देना है गाइज इस तरह से। आप लोगों को रोटेट करने के बाद तो चलिए गाइज यहाँ से पहले मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा हो गया गाइज, इसको तो हल्का सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से गाइज अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज। और गाइज आप लोगों से बता दूँ कि आप लोग जिसके भी ऊपर आप लोग इस तरह का एनिमेशन करना चाहते हैं या पेड़ के ऊपर उतारना चाहते हैं या किसी के ऊपर उतारना चाहते हैं गाइज, तो इस तरह से आप लोग सेम ही प्रोसेस होगा गाइज। इसी तरह से आप लोग पेड़ के ऊपर भी इसी तरह से लैंड करा सकते हैं। तो चलिए गाइज इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल कोने में कर लेना है गाइज। और इतना हो जाने में सिंपली गाइज यहाँ से देख सकते हैं जो कि इस तरह से चिड़िया आएगी उड़ते हुए गाइज, और यहाँ से जैसे ही इसके करीब पहुँचेगी गाइज यहाँ से आप लोगों को एक कट लगाना होगा। तो चलिए यहाँ से अब एक कट लगा देते हैं गाइज, ये वाला एकदम परफेक्ट साइज है। तो यहाँ से आप लोगों को एक कट लगाना होगा गाइज, यहाँ से कैंची पे क्लिक करके और यहाँ से राइट साइड वाला जो पार्ट है गाइज, जो एक्स्ट्रा पार्ट है राइट वाला, इसको कट करके हटा देना है। इतना हो जाने के बाद गाइज सिंपली गाइज आप लोगों को एक और यहाँ से इसी वाला करेक्टर लेना है जो कि इसमें टूनी चिड़िया चुपचाप बैठी रहेगी यानी कि बोलेगी नहीं। तो चलिए गाइज वो वाला पार्ट ले लेते हैं गाइज, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो कि हमको पार्ट ये वाला चाहिए गाइज, इस साइड घुमा हुआ मुँह वाला चाहिए। तो चलिए गाइज यहाँ से क्लिक करके यहाँ से कट कर देते हैं और इसको उठा के वहीं पर ले चलते हैं गाइज। इतना हो जाने के बाद सिंपली गाइज इसको यहाँ से स्क्रॉल करके आप लोग इसको टैप करके रखेंगे गाइज, उसके बाद स्क्रॉल करके आगे के साइड कर देना है गाइज, और इसी के ऊपर थोड़ा हल्का सा ऊपर चढ़ा के आप लोगों को रखना होगा ताकि आप लोग इसे एडजस्ट कर सकें। तो चलिए गाइज इसका भी क्रोमा की यहाँ से इनेबल कर देते हैं और उसके बाद गाइज यहाँ से ग्रीन बैकग्राउंड करके यहाँ से 50-50 कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद सिंपली गाइज आप लोगों को यहाँ से अब इस करेक्टर को यहाँ से उसी करेक्टर के ऊपर आप लोगों को जैसे कि यहाँ से हल्का सा ऊपर चढ़ा देंगे गाइज, तो दोनों करेक्टर आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि दोनों चिड़िया दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल उसी के सामने आप लोगों को ले जाकर इसको रख देना होगा गाइज, उसके बाद इसको यहाँ से आप लोगों को बराबर कर देना होगा गाइज। अब देखिए गाइज यहाँ से मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइज कि किस तरह से आप लोगों को यह एनिमेशन लगेगा। पता भी नहीं चलेगा गाइज कि यह चिड़िया को मैं वहाँ से कट करके और उसको बैठाया हूँ गाइज। जैसे लगेगा कि आप लोगों को लगेगा कि चिड़िया यहाँ से उड़ते उड़ते आई है और
और यहाँ पर बैठ गई है। तो चलिए गाइज यहाँ से देख सकते हैं जो कि अभी आप लोगों के सामने जो कैसा यहाँ पर एनिमेशन बन के तैयार हो जाता है गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही यहाँ से चिड़िया करीब आती है और उसके बाद यहाँ से बैठ गई। तो गाइज आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला होगा कि गाइज यहाँ से मैं कट लगाया हूँ गाइज, और इसी की वजह से यहाँ से चिड़िया आके बैठ गई। तो काफ़ी आसान हो गया गाइज। उसके बाद यहाँ से एक और कट लगा लेते हैं गाइज, यहाँ से अब चिड़िया फिर से उड़ते हुए जाएगी। तो इतना हो जाने के बाद सिंपली गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लेयर है इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे गाइज, तो इसी लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसी लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट बना लेता हूँ गाइज। इसको स्क्रॉल करके आप लोगों को टैप करके पकड़ के इधर लेके आना है गाइज। उसके बाद इसके थोड़ा सा आगे ले जाना है गाइज यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ से ले जाना है गाइज हल्का सा ऊपर इसको चढ़ा के रखना, ताकि इससे पता चल जाए कि दोनों आप लोगों को करेक्टर आप लोगों का दोनों दिखे गाइज। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इस वाले करेक्टर को लेना है गाइज, और यहाँ से आप लोगों को ऐसे रोटेट कर देना उस साइड कोने में। इतना हो जाने के बाद सिंपली गाइज इसको आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ गाइज। उसके बाद यहाँ से गाइज आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा सा आगे के साइड स्क्रॉल करना है, और जहाँ से पूरा करेक्टर यानी कि चिड़िया का यहाँ से पूरा करेक्टर जहाँ से बाहर निकल आएगा गाइज, वहाँ से वाला पार्ट आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से कट कर देते हैं। इस पार्ट को आप लोगों को इसी के ऊपर ला कर रखना होगा गाइज, यहाँ से ऊपर रखने के बाद, ताकि आप लोगों को दोनों करेक्टर आमने सामने दिखेगा जिस तरह से। उसके बाद गाइज इस करेक्टर को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करके और बिल्कुल जहाँ पर ये करेक्टर बैठा है गाइज, दूसरा वाला जो चिड़िया का करेक्टर बैठा है उसी के ऊपर आप लोगों को लाके और हल्का सा आप लोगों को बड़ा करके सेट कर लेना है और यहीं पर एडजस्ट कर देना है। तो गाइज आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट, जितना ही अच्छा आप लोग एडजस्ट करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का एनिमेशन बनेगा। तो इस तरह से हो जाने के बाद सिंपली गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ गाइज। यहाँ से पहले इसको बराबर कर देता हूँ गाइज, और यहाँ से बराबर करने के बाद सिंपली गाइज अब इसको मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों के सामने एनिमेशन बन के तैयार होता है गाइज। यहाँ पर बैठी रहेगी, अभी यहाँ से तुरंत उड़ जाएगी और बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पता चलेगा गाइज। यहाँ से देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों का एनिमेशन तैयार हो गया गाइज। तो इस तरह से आप लोग किसी भी चिड़िया को लैंड करा के और किसी के ऊपर भी उतार सकते हैं, चाहे पेड़ के ऊपर उतारना हो या जमीन के ऊपर उतारना हो गाइज, इस तरह से आप लोग उतार सकते हैं। उसके बाद गाइज इस तरह से आप लोग एनिमेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं गाइज। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं गाइज, जो एक्स्ट्रा पार्ट हो गाइज उसको कट कर देना गाइज, और फाइनली आप लोगों का वीडियो बनके तैयार हो गया गाइज। तो इस तरह से आप लोग यहां से देख सकते हैं जो कि अभी चिड़िया उड़ते हुए आएगी गाइज। यहां से देखिए गाइज, पहले आप लोगों को मैं प्ले करके दिखा देता हूं गाइज, यहां पर देख सकते हैं। तो गाइज यहां पर जैसे ही चिड़िया आएगी उसके बाद यहां से बैठ गई गाइज, यहाँ से बैठ के कुछ देर तक यहाँ से वेट करेगी, उसके बाद गाइज यहाँ से फिर से चिड़िया उड़ जाएगी गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से थोड़ा सा और आगे जाते हैं गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से यहाँ चिड़िया उड़ जाएगी गाइज। जो भी मैं स्टेप आप लोगों को बताता हूँ गाइज, इन स्टेप को फॉलो करके आप लोग काफ़ी बड़ा कार्टून वीडियो बना सकते हैं गाइज। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब गाइज मैं बता देता हूँ गाइज कि इसमें वॉइस कैसे ऐड करना है गाइज। इसके लिए गाइज आप लोगों को पार्ट वन देखना होगा गाइज। पार्ट वन के अंदर मैं बताऊँगी गाइज कैसे उसमें वॉइस ऐड करना है और कैसे आप लोगों को वॉइस चेंज करना है गाइज, और कौन सा स्टेप फॉलो करना है जिससे आप लोगों का कार्टून वीडियो बन के तैयार हो जाएगा गाइज। तो आप लोग जाइए पार्ट वन देखिए गाइज, पार्ट वन के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से और चीज़ मैं बताया हूँ गाइज, जैसे आप लोगों को वॉइस ऐड करना, वॉइस चेंज करना और इत्यादि भी उसमें उसके अंदर बताया हूँ गाइज। तो जाइए पार्ट वन देख लीजिएगा गाइज।